नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पिछले 8 सालों में वह इस पद पर काबिज होने वाले पहले नेता हैं। उनसे पहले शिंजो आबे ने पीएम के रूप में जापान को अपनी सेवाएं दी। आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सुगा को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सुगा के लिए प्रधानमंत्री पद का काबिज होने का रास्ता सोमवार को ही साफ हो गया था, जब उन्हें जापान की लिबरल डेमोक्रेट पार्टी का नेता चुना गया। अमेरिका में अश्वेत और हिस्पियन बच्चों को कोरोना से मौत का खतरा ज्यादा है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मौत का सबसे ज्यादा खतरा ऐसे 21 साल से कम उम्र के बच्चों को है। रिसर्च कहती है कि 12 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक कोरोना से 121 ऐसे बच्चों की मौत हुई जिनकी उम्र 21 साल से कम थी। एचआरसी की मंगलवार को जिनेवा में मीटिंग हुई। पाकिस्तान और उनके मित्र देश तुर्की ने भारत को घेरने की कोशिश की। भारत ने इसका तल्ख तेवरों के साथ जवाब दिया। भारत ने कहा, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। हिंदू, सिख और क्रिश्चियन का वहां रहना मुहाल है, उनको रोज कत्ल किया जाता है। भारतीय प्रतिनिधि ने तुर्की को भी कड़े शब्दों में नसीहत दी। इसराइल ने दो खाड़ी देशों यूएई और बहरीन के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इस पर दस्तखत किए गए। व्हाइट हाउस में यह कार्यक्रम हुआ। दोनों अरब देशों के साथ अरब इसराइल के औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते शुरू होंगे। अमेरिका ने इस समझौते में सबसे अहम भूमिका निभाई है। रूस भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी को 10 करोड़ स्पुतनिक वी वैक्सीनर की सप्लाई करेगा। इसकी सप्लाई के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डी डी लेबोरेटरीज रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रूस के वैक्सीन की फिलहाल ट्रायल चल रहा है। इसे रूस के गामिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसकी डिलीवरी ट्रायल खत्म होने के बाद और भारत में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू होगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिब्बत और ताइवान से दूर रहने की नसीहत देने वाला चीन खुद भारत के मूलभूत हितों की अनदेखी कर तनाव को भड़काने में लगा हुआ है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जहां ड्रैगन पाकिस्तान में 87 अरब डॉलर के निवेश कर रहा है, वहीं चुपके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट इलाके में पाकिस्तानी सेना की मदद से सैन्य ठिकाना बनाने में लगा हुआ है। चीन और पाकिस्तान इसी नापाक चाल की वजह से लद्दाख में भारत के साथ ड्रैगन का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा में गलती से चले गए भारतीय नागरिक को 2 साल की सजा पूरी होने के बाद वाघा सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय उच्चायोग ने दस्तावेज मिलने के बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले अनिल चामरू को पाकिस्तानी रेंजर ने सोमवार को वाघा सीमा पर बीएसएफ को सौंपा। भारत के कई रक्षा विश्लेषक और सैन्य अधिकारी आशंका जाहिर कर चुके हैं कि अगर चीन के साथ भारत की जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान भी उसके साथ आ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और भारत को चीन पाकिस्तान के साथ साथ लड़ना पड़े। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि इसीलिए भारत की सेना को और मजबूत करने की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा समझौता हुआ है। इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच यह समझौता हुआ है, जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड है। इसराइल से दो मुस्लिम देशों की यह डील पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। कोई इसे नया सवेरा बता रहा है तो किसी के लिए यह फिलिस्तीन की लड़ाई को कमजोर करने वाला समझौता है। अमेरिका के चर्चित पत्रकार के नए टेप से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति के चीखने के बाद अपने दफ्तर छोड़कर निकल गए। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक टेप में ट्रंप खुद इस घटना को स्वीकार करते हुए सुनाई देते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रंप ने, मैं कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में था, ओवल ऑफिस में 10 लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, इस व्यक्ति ने अचानक छींक दिया, कमरे में मौजूद सभी लोग वहां से निकल लिए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।